हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास या मशहूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास के विषय में। वीडियो की शुरुआत M.N. श्रीनिवास के जीवन परिचय से करते हैं। M.N. श्रीनिवास का जन्म 16 नवंबर 1916 में मैसूर शहर से 20 मील दूर रामपुरा ग्राम से 3 किमी दूर पर स्थित अराकिरे स्थान पर हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मैसूर में ही हुई। इंटरमीडिएट की परीक्षा विज्ञान विषय से उत्तीर्ण कर इन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से सन 1936 ईस्वी में सामाजिक दर्शन शास्त्र में बीए में ऑनर्स किया। M.N. श्रीनिवास की अध्ययन में गहन रुचि थी। सन 1938 में इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की। इन्हें दो बार डॉक्टरेट की उपाधि बंबई विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त हुई। इन्हें सन 1955 में रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से WHR रिसर्च मेमोरियल का पदक प्रदान किया गया। 30 नवंबर 1999 में इनका निधन हो गया था। M.N. श्रीनिवास की कृतियों की बात करें तो मैरिज एंड फैमिली, लाइफ इन मैसूर, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द क्रूक्स इन साउथ अफ्रीका, इंडियाज विलेज, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग्स, इंडियाज सोशल स्ट्रक्चर, रिमेम्बर्ड विलेज, डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसे, कास्ट इन 20th सेंचुरी इन अवतार, माई वडोदरा डेज और विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड इत्यादि कृतियों की रचना M.N. श्रीनिवास द्वारा की गई। M.N. श्रीनिवास की अवधारणा या सिद्धांतों की बात करें तो संस्कृतिकरण, प्रभु जाति या प्रबल जाति, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण और लौकिकीकरण प्रमुख रूप से हैं। M.N. श्रीनिवास की अवधारणा संस्कृतिकरण की बात करें तो M.N. श्रीनिवास ने मैसूर के रामपुरा गांव को अपने अध्ययन का आधार बनाया। यहां अधिकांश जातियां अपने परंपरागत जातीय व्यवसाय में संलग्न थी। इसी गांव के अध्ययन में M.N. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का पता लगाया। यह संस्कृतिकरण भारतीय ग्रामों में परंपरागत जाति व्यवस्था से संबंधित नियमों और उनके व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों को M.N. श्रीनिवास ने जिस प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया है उसे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। M.N. श्रीनिवास का मानना है कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति अपने से उच्च किसी जाति के समान अपने रीति रिवाजों, कर्मकांड, विचारों और जीवन की शैली को बदलने लगती है। इसे हम एक उदाहरण के रूप में समझें तो आज वर्तमान समय में बहुत सी निम्न जातियां सामाजिक और धार्मिक जीवन में वह सभी व्यवहार करने लगी हैं जो केवल उच्च जातियों द्वारा किए जाते थे, जैसे शाकाहारी भोजन करना, सोने चांदी के आभूषण पहनना तथा कर्मकांडों का पालन करना इसी प्रकार के व्यवहार हैं। और इन व्यवहारों के द्वारा ये जातियां अपने आप को पहले से अधिक पवित्र दिखाकर अपनी जातीय स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करती हैं। और यही कारण है कि जाति संरचना में व्यापक गतिशीलता या परिवर्तन देखने को मिलता है। M.N. श्रीनिवास की अवधारणा प्रभु जाति या प्रबल जाति की करें तो प्रभु जात की भी अवधारणा M.N. श्रीनिवास ने रामपुरा गांव के अध्ययन से ही एकत्र किया था और उसी के आधार पर ग्रामीण जीवन के संदर्भ में अपनी महत्वपूर्ण अवधारणा को प्रस्तुत किया जिसे हम प्रभु जाति के नाम से जानते हैं। प्रभु जाति कोई भी वह जाति है जिसका भूमि के एक बड़े भाग पर अधिकार होता है एवं जिसके सदस्य संख्या में अधिक होते हैं तथा स्थानीय रूप से उनका गाँव में अधिक प्रभाव होता है। इस तरह एक निम्न अथवा पिछड़ी जाति भी प्रभु जाति हो सकती है। M.N. श्रीनिवास की अवधारणा पश्चिमीकरण की बात करें तो पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंगने की प्रक्रिया को पश्चिमीकरण कहा जाता है। पाश्चात्य संस्कृति जिसे पश्चिमी सभ्यता भी कहा जाता है यह आमतौर पर यूरोपीय संस्कृति का उदाहरण है। पश्चिम यूरोप और उन देशों को संदर्भित करता है जो यूरोपीय लोगों विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा
कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बसे हुए हैं। इन्हीं देशों की संस्कृति को अपनाने की प्रक्रिया को पश्चिमीकरण कहा जाता है। पश्चिमीकरण एक अनुकरण की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में भारतीय व्यक्ति पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का अनुकरण करते हैं। पश्चिमीकरण को परिभाषित करते हुए एम एन श्रीनिवास ने कहा कि पश्चिमीकरण का तात्पर्य समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में उत्पन्न होने वाले उन सभी परिवर्तनों से है जो प्रौद्योगिकी, नई संस्थाओं, विचारधाराओं और नए मूल्यों से संबंधित है। एम एन श्रीनिवास की परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि पश्चिमीकरण का तात्पर्य केवल अंग्रेजी की सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करना ही नहीं है, बल्कि पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से जब हमारी प्रौद्योगिकी या तकनीकी, सामाजिक संस्थाओं, विचारों और सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन होने लगते हैं, तब इसे हम पश्चिमीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। मानवतावाद, तर्कवाद, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समताकारी मूल्य पश्चिमीकरण के प्रमुख तत्व हैं। एम एन श्रीनिवास की अवधारणा आधुनिकीकरण की बात करें तो भारतीय समाज में होने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए आधुनिकीकरण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो मुख्यतः नई प्रौद्योगिकी के प्रभाव से उत्पन्न होती है और यह आधुनिकीकरण की प्रक्रिया समाज में परंपरागत विशेषताओं के स्थान पर नए सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिवर्तन उत्पन्न करती है। साधारणतः आधुनिकीकरण का तात्पर्य तथा नई जीवन प्रणाली से समझ लिया जाता है, लेकिन ऐसी धारणाएं गलत हैं। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को परंपरा की तुलना के रूप में समझा जा सकता है। दूसरे शब्दों में जब नई प्रौद्योगिकी और नई आर्थिक दशाओं के प्रभाव से परंपराओं का रूप बदलने लगता है, तब इस दशा को आधुनिकीकरण कहते हैं। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में वैज्ञानिक दृष्टिकोण में वृद्धि होना, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण में विकास होना, धर्म निरपेक्षता बढ़ाना, प्रौद्योगिक विकास होना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना, शिक्षा का प्रसार होना इत्यादि आधुनिकीकरण से संबंधित प्रमुख विशेषताएं हैं। एम एन श्रीनिवास की अवधारणा लौकिकीकरण की बात करें तो लौकिकीकरण शब्द लौकिक से बना है, जिसका अर्थ सांसारिक से लगाया जाता है। इसका तात्पर्य यह कि जब हम धार्मिक क्रियाओं को लौकिक अथवा सांसारिक आधार पर देखने लगते हैं तथा तार्किक आधार पर उनकी व्याख्या करने लगते हैं, तब इस प्रक्रिया को लौकिकीकरण कहा जाता है। लौकिकीकरण की इस प्रक्रिया में सर्वधर्म समभाव अर्थात सभी धर्म समान है की भावना का प्रसार किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो तर्कहीन बातों को अस्वीकार करती है। इसका अर्थ यह कि जिन क्रियाओं अथवा व्यवहारों को पहले हम धार्मिक मानते थे, अब उन्हें धार्मिक नहीं माना जाता। इस प्रक्रिया का आवश्यक तत्व बुद्धिवाद है।